वेलकम बैक इस वीडियो लेक्चर में भी हम अल्फा बीटा पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यूज ऑफ वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा यहाँ पर ए है वन बी है वन सी है माइनस टू और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय बीटा सी बाय ए ये आ जाएगा माइनस वन बाय वन तो माइनस वन सी बाई इस माइनस टू बाय वन तो माइनस टू तो इस तरह से सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यूज हमें मालूम है हमसे मांगी गई है वन बाय एल्फा माइनस वन बाय बीटा की वैल्यू तो यहाँ हम एल्सियम लेते हैं तो बीटा माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा आ जाएगा अब यहाँ पर बीटा माइनस एल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर लिखते हैं यह बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इसकी वैल्यू हमारे को मालूम है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा होती है और ये तो अलग है तो टोटल में ये फॉर्मूला बन गया वैसे मैंने इसे फॉर्मूला शीट में भी दिया है अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकते हैं याद नहीं है तो इस तरह से डिराइव कर सकते हैं अब राइट साइड पूरी की पूरी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो चुकी है अल्फा प्लस बीटा माइनस वन और अल्फा बीटा है माइनस टू इस तरह से ये बन गया वन प्लस एट नाइन यानी बीटा माइनस एल्फा हो गया थ्री क्योंकि बीटा माइनस एल्फा होल स्क्वायर की वैल्यू है ये तो बीटा माइनस एल्फा हो गया थ्री यहाँ पर ये आ गया थ्री और अल्फा बीटा हमें माइनस टू दिया गया है तो आंसर आ गया माइनस थ्री बाय टू एंड दिस इज द आंसर